नमस्कार देखें तमाम दर्शकों को, डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। भाइयों बहन, जैसे आप सब जानते हो कि आज अभी रिसेंटली हरियाणा प्रदेश का अंतरिम बजट पेश हुआ है और हमारे बीच में पंचकुला के विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और मुख्य सचेतक चीफ व्हिप हरियाणा विधानसभा मौजूद है। आइए हम उनसे पता करें कि वो इस बजट को किस दृष्टि से देखते हैं। गुप्ता जी, आप इस बजट को किस दृष्टि से इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज जो बजट पेश किया है, लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए का बजट और 10% पिछले वर्ष से ज़्यादा बढ़ा करके बजट पेश किया है। और इस बजट के अंदर जिस प्रकार से आने वाले साल के अंदर विकास की योजनाएं लेकर के आए हैं, विकास के कार्य उन्होंने बताए हैं कि क्या क्या सरकार करने जा रही है। ये बजट जो है सभी वर्गों के लिए, चाहे वो व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो इंडस्ट्रिस्ट है, हर वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए उनकी सहायता करने वाला बजट, प्रोग्रेसिव बजट उनके सबके लिए लेकर के आए हैं। और इस बजट के पश्चात जो हरियाणा पहले ही बहुत तेज गति से विकास की ओर अग्रसर है, इससे आने वाले समय के अंदर भी और नए विकास के कार्य शुरू होंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छा बजट दे करके विशेष प्रोत्साहन उन्होंने दिया है, 10% से 15% तक की वृद्धि भी, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसके अंदर उन्होंने की है, उससे मैं समझता हूँ स्वास्थ्य की सेवाओं के अंदर सुधार होगा, हमारे खेल के प्रेमी जो खिलाड़ी हैं जिसको हमने पहले ही प्रोत्साहन दिया है, और अच्छे ढंग से देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। जैसे आपने बताया कि अब हमने थोड़ी देर पहले विपक्ष से भी बात की थी, वो यही कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट है, जो एक चुनावी बजट है, लोग हमने वादे किए जा रहे हैं। मेवात के MLA CM अहमद जी से बात हुई थी, कह रहे हमारा मेवात तो आजकल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं 1966 से लेकर आज तक। ये जो बातें हो रही, इस बातों को आप किस चीज देखते हैं? देखिए, विपक्ष के नाते, क्योंकि आज वो विपक्ष के जो विधायक हैं, इस नाते वो बोल रहे हैं। अभी विधानसभा के अंदर कुछ ही देर पहले हमारे जो PWD बियॉन्ड आर मिनिस्टर हैं, आदरणीय श्री राव नरवीर जी, उन्होंने हाउस के अंदर खड़े होकर के पूछा कि आप ये जो सड़क की प्रपोज कर उन्होंने बात की थी, इसके अलावा कोई एक सड़क बताएं जो उस क्षेत्र के अंदर नहीं बनी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। जिस प्रकार से जितने विकास के काम हो रहे हैं, आज मैं समझता हूँ विपक्ष को हताश है, विपक्ष निराश है। जींद के उपचुनाव के पश्चात, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है, या दूसरी राजनीतिक पार्टियां हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, वो पूरी तरह से निराशा के अंदर ग्रस्त है। जी, अब हम अपने पंचकुला से, मैं भी बिलोंग करता हूँ और आप भी पंचकुला से बिलोंग करते हैं, और पंचकुला के दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि 4 साल के कार्यकाल के अंदर आपने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से काम कंप्लीट हो गए हैं, कौन कौन से काम पाइपलाइन में है, इसके बारे में जरूर बताना। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि जो पंचकुला 15 साल तक उपेक्षित रहा, जो पंचकुला 15 साल तक उपेक्षा का शिकार रहा, वहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास का काम, चाहे वो हुड्डा की सरकार रही, चाहे वो चौटाला जी की सरकार रही, कोई विकास का काम वहाँ पर एक भी नहीं हुआ। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमने 2,000 करोड़ रुपए के विकास के काम वहाँ पर शुरू करवाए। 611 करोड़ रुपए की लागत से पंचकुला से यमुनानगर तक की 4 लेनिंग का काम पिछले 15 साल से पेंडिंग था। हुड्डा जी तो पत्थर रख करके भी चले थे, लेकिन वो पत्थर कहाँ है, वो रखा हुआ उनका पता नहीं है। आज हमने 2015 के अंदर उसका शुरुआत की और आज वो 90% कंप्लीट हो चुकी है। जो समय पंचकुला से यमुनानगर जाने में पहले 2 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे के अंदर हम वहाँ पहुँच जाते। आज 500 करोड़ रुपए की लागत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंचकुला के अंदर आयुष का जो एम्स है, उसकी शुरू वहाँ पर नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जो है वहाँ पर शुरू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा शुरू की है। 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 बेड का वहाँ आयुष का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वहाँ पर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है, और
सभी जो डॉक्टर्स चाहे वो देश के हैं चाहे विदेश के हैं, वो बाहर से आकर के यहाँ पर उसके अंदर वो रिसर्च करेंगे। इसके अलावा 150 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये पंचकूला को सौगात है। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो पंचकूला के अंदर 4 साल 5 साल बिताए उसके एवज के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी सौगातें हमें लगभग 1200 करोड़ रुपए के जो काम हैं वो केंद्र की तरफ से पिछले 4 साल के अंदर हुए हैं। और आज जहाँ तक विकास की सरकार की बात है, हमने पंचकूला की सड़कें लगभग 150 करोड़ रुपया खर्च करके आज पंचकूला की सारी सड़कों के अंदर रिकारपेटिंग की है, चाहे वो सड़कें हैं चाहे वो पार्किंग का एरिया, और केवल शहर की सड़कें नहीं गांवों की भी सारी सड़कें हमने उनकी रिकारपेटिंग की है। आज पंचकूला के गांवों के अंदर या शहर के अंदर कोई एक ऐसा पुल नहीं बचा जहां पुल बनना बाकी है। हमने पिछले 4 साल के अंदर 5 नए पुल जो पिछले 20 साल से 30 साल से पेंडिंग पड़े थे उनका निर्माण कार्य करवाया है। 1-2 का निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है जो कंप्लीट होने के उसके ऊपर है। आज बिजली की बात करें, 24 घंटे बिजली आज पंचकूला के अंदर हमने दी है। पंचकूला प्रदेश का पहला जिला बना जहां 24 घंटे बिजली आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हमने दिया है, मल्टी लेवल पार्किंग दी है, पॉलिटेक्निक का मल्टी स्किल सेंटर दिया है, वहां पर एक हायर सेकेंडरी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो उसकी बिजली की कंस्ट्रक्शन हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो हरियाणा रोडवेज का डिपो 22 जिलों के अंदर हरियाणा रोडवेज के डिपो में 22 जिलों में से 21 जिलों में थे, पंचकूला एक ऐसा जिला था जहां हरियाणा रोडवेज का डिपो नहीं था, हमने यहां पर हरियाणा रोडवेज का डिपो खुलवाया, हमारा GM वहां बैठने लगा, लगभग 160 बसें जो हैं आज पंचकूला से दूसरे शहरों की तरफ निकलती हैं। और सर जी, आपने बताया कि इतनी डेवलपमेंट हुई है, फिर भी आपको ये नहीं लगता कि कुछ जगह पर पंचकूला में लान आर्डर की थोड़ी सी कमी है लड़कियों को लेकर, बच्चों को लेकर, जो असुरक्षितता का माहौल है, इसके बारे में इसमें इसको आपने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो किया होगा कि इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो उसका तुरंत समाधान हो बच्चियों के लिए स्कूल के, विशेष तौर पर। ये बात ठीक है, 1 या 2 घटनाएं कहीं ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बाई एंड लार्ज जो कानून व्यवस्था है पंचकूला के अंदर बाकी प्रदेशों से, बाकी जो जिले हैं उनसे बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बात आपसे और पूछनी है, आपने सड़कों की बात की, थोड़े दिन पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचकूला की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए थे, इसके बारे में आप क्या कहो? देखिए, कुछ अधिकारी जिन अधिकारियों ने भी उसके अंदर कोई भी कोताही करने का प्रयास किया है, मैंने पहले दिन कहा था कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे और जो भी चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो अधिकारी है चाहे वो ठेकेदार है या कोई भी आदमी जो उसके अंदर दोषी पाया जाएगा उसको हम सजा देंगे, और उसके खिलाफ वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आ चुकी है, या 5 या 6 जो अधिकारी हैं उसके अंदर फंसे हैं, 4-5 लोगों को हमने हटाया भी है, और उसका मैं समझता हूँ कि उस आगे के लिए इस प्रकार की जो बात संज्ञान में आई है, लेकिन बाई एंड लार्ज वहाँ पर जो काम की गति है उसके ऊपर कोई हम असर नहीं आने देंगे इस प्रकार की घटना से, और विकास के कार्य निरंतर चलते रहेंगे। तो भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में पंचकूला के विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और मुख्य सचेतक हरियाणा विधानसभा मौजूद थे, मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन मनदीप गौतम जी के साथ अर्थ प्रकाश TV चैनल से।